Hello everyone, welcome back to our video lecture series of cyber security. Okay friends, in our previous lecture we have studied about a basic configuration of cyber firewall. Okay, so in today's lecture we are going to start with the application filter. हमने प्रीवियस लेक्चर में वेब फिल्टर तक पढ़ा था, ठीक है? तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एप्लीकेशन फिल्टर. बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप डायरेक्टली ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट थ्री पढ़ रहे हो और वीडियो देख रहे हो, तो उससे पहले आप उसके कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट वन एंड पार्ट टू ज़रूर देखें. वो देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी एप्लीकेशन फिल्टर. ओके, तो हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में देखा था कि अगर हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं बेसिकली, ठीक है, सो यूज़र क्रिएट करने के बाद हम उसको एक पॉलिसी देते हैं कि इस यूज़र को एक्सेस करने के लिए हम क्या क्या अलाउ कर सकते हैं और क्या क्या नहीं. तो उसमें हमने क्या देखा था कि वेब फिल्टर मीन्स वेब कौन कौन सी वेबसाइट यूज़र एक्सेस कर सकता है और कौन कौन सी नहीं कर सकता है, ठीक है? तो वेब फिल्टर में क्या होता था, मैंने आपको बोला था कि एक ग्रुप होता है, प्रॉपरली एक कैटेगरी बना के रखते हैं ये लोग, कि जिसमें हम एक कैटेगरी अगर ब्लॉक करते हैं तो उस कैटेगरी की सारी वेबसाइट्स, ठीक है, विच इंक्लूड इन दैट कैटेगरी इट्स ऑल आर ब्लॉक, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कैटेगरी, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन में कैटेगरी आपको दिख रही होगी सारी, ठीक है? जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उस टाइम पे भी. If I am going to block a social networking, this means what? All the social networking websites like Facebook, Twitter, Insta, ठीक है, ये सब ब्लॉक हो जाएगी. तो बेसिकली बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक एक वेबसाइट ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट इज़ वेरी ईजी फॉर ऑल दी यूज़र्स, ठीक है? सो ये एक है फंक्शनैलिटी हमारी. ओके, अभी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन फिल्टर. SMS वेब फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर ऑल्सो हैव अ कैटेगरी बिकॉज देर आर सो मैनी एप्लीकेशन ओवर हियर. देख लो, आपको सॉफ्टवेयर की कोई लिमिट है? कोई ऐसा बोल सकता है कि इतना ही सॉफ्टवेयर है मार्केट में? नहीं, ठीक है. सो अगर हमको ये सॉफ्टवेयर को ब्लॉक करना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी इन लोगों ने कैटेगरी बना के रखी है. देखो हम लोग कैटेगरी देखते हैं, यहाँ पे दिख रही है आपको कैटेगरी सारी, उसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज है यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि कैटेगरी को ब्लॉक करेंगे, दैट मीन्स यूज़र आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है? ये देखो अभी यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, सबसे पहला है कॉन्फ्रेंसिंग. हाँ, तो कॉन्फ्रेंसिंग में बेसिकली क्या आएगा, आपको क्या लगता है कि अगर कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जितनी भी एप्लीकेशन है, दिख रहा है आपको, ये तो सारी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये फायरवॉल के अंदर हमने सारी सारे सॉफ्टवेयर इन कॉन्फ्रेंसिंग के एप्लीकेशन के अंदर हमने कवर किए है, बट द मेजर एप्लीकेशन विच आर यूज फॉर द कॉन्फ्रेंसिंग दैट वी हैव कवर्ड ओवर हियर, ठीक है? दिख रहा है, तो देर आर सो मैनी एप्लीकेशंस, ठीक है? देखो स्क्रीन कॉन्टैक्ट है, जो हम लोग जानते हो आप लोग वही, ठीक है? फिर दिख रहा है जूम मीटिंग्स, जो अभी हाल में बहुत चल रहा है, तो जूम भी ब्लॉक हो जाएगी. अगर मैं यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोई आईडी है जिसको ऊपर ये कैटेगरी कॉन्फ्रेंसिंग वाली, इसको अगर मैं ब्लॉक करता हूँ तो क्या होगा, बेसिकली द पर्सन इज़ नॉट एबल टू यूज़ जूम मीटिंग. सो इट्स अ बेसिक ऑफ वेब फिल्टरिंग कैटेगरी, ठीक है? अभी थोड़ा वेट कीजिए एक मिनट, हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि ये दूसरे में क्या होगा. हो रहा है, हम लोग बंद कर देते हैं वाईफाई को अभी हाल फिलहाल में. Let's see. It is going to be opened or not? Yes. Okay. अभी ये हो गई आपकी फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है? अभी देखो इसमें ये डाउनलोडेड एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, इट्स ऑल्सो अ कैटेगरी. मीन्स आप अगर डाउनलोड कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स में से कर रहे हो या फिर क्या बोलते हो शायद, क्या नाम है उसका, आप शायद आप लोग जानते होंगे, कौन सी फाइल होती है वो, मीडिया फायर करके एक क्लाउड स्टोरेज है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. फिर सी नेट करके है, ऐसे बहुत सारी ये लोग यहाँ पे कैटेगरी में ऐड करते हैं फंक्शनलिटी. दिख रही है आपको बहुत सारी, ये दिख रही है यूट्यूब, तो यूट्यूब के वीडियो भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो इफ़ आई एम ब्लॉकिंग दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. हाँ, इसके अंदर एक और दूसरी फैसिलिटी दी गई है कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर साइट ब्लॉक करनी है,
पर्टिकुलर साइट, तो भी मैं वो ब्लॉक कर सकता हूँ, ठीक है। सो इट्स अ बेसिक कैटेगरीज विच आर गिवन इन द सॉफ्टवेयर और इन द साइबर रोम फायरवॉल, ठीक है। एंड द पॉलिसीज विच इज हियर होगा, ठीक है। हमने उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे पॉलिसी डेवलप करके रखी है। कौन कौन सी पॉलिसी है, देखो ये सबसे पहले दिख रही है एप्लीकेशन अकाउंट, मीन्स अकाउंट के अगर कोई बंदा है तो देखो ये कितनी सारी कैटेगरीज है जो यूज़ कर सकता है। देखो यहाँ पे कैटेगरी का लिस्ट दिया गया है पूरा, देखो यहाँ पे कैटेगरी का ही सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी यूज़ करता है वो, कितनी बैंडविड्थ है, सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन करके रखा है यहाँ पे कि दिस कैटेगरीज हैज़ बीन ब्लॉक्ड फॉर दिस यूज़र दिस ग्रुप। कहाँ से, तो आप हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी में, यूज़र में कोई भी एक यूज़र ओपन कर सकते हैं हम यहाँ पे, दिख रहा है। यहाँ पे हमने देखा था वेब फिल्टर इन प्रीवियस लेक्चर, तो वेब फिल्टर में हमने यहाँ पे क्या डाला है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के वेब फिल्टर में मीन्स जो हमने पहले देखा था ये रहा वेब फिल्टर, उसके अंदर हमने जो जो कैटेगरी स्टूडेंट के अंदर एलो की है वो ये यूज़र, ठीक है, ये यूज़र एक्सेस कर पाएगा। और जो जो कैटेगरी हमने यहाँ पे ब्लॉक करके रखी है वो सारी कैटेगरी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी एज अ वेब फिल्टर, सेम एज एप्लीकेशन फिल्टर। एप्लीकेशन में भी देखो हमने यहाँ पे जितनी एप्लीकेशन बना के रखी है दिख रहा है यहाँ पे सब, ठीक है। हमने क्या देखा था, एप्लीकेशन अकाउंट ये दिख रहा है आपको जो हमने वहाँ पे देखी थी एक कैटेगरी, ठीक है। ये सारी कैटेगरी हमने वहाँ से क्रिएट करके रखी है, दिस आर दी पॉलिसी। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम जाते हैं एप्लीकेशन फिल्टर के अंदर, ये रही पॉलिसीज आपकी, ये देखो दिख रही है सारी पॉलिसी हमने यहाँ पे मेंशन करके रखी है। हमको सिर्फ क्या करना है, इसको पहले क्रिएट करना है एंड देन वी हैव टू अप्लाई दिस कैटेगरी इन टू दी यूज़र। जैसे ही हम यूज़र क्रिएट करते हैं वहाँ पे हमको ये कैटेगरी अप्लाई करनी है। तो क्लियर अबाउट दैट एप्लीकेशन फिल्टर, ओके। अभी ये है वेब सर्वर, ये है वेब एप्लीकेशन फिल्टर, उसके अंदर है वेब सर्वर। वेब सर्वर मीन्स व्हाट, अगर आपको कोई सर्वर, जैसे कि आपके पास अगर कोई लोकल इंस्टीट्यूट का कोई डोमेन है या सर्वर है और उसको आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, देन यू आर एबल टू कॉन्फ़िगर ओवर हियर। लेकिन अगर नहीं है देन इट मे बी ब्लॉक, ठीक है, मतलब नहीं है अभी हाल फिलहाल में। ये देखो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, मीन्स ये पैकेट की मैक्सिमम बैंडविड्थ है, मीन्स पर सेकंड 35,000 पैकेट वो ट्रांसफ़र कर पाएगा, समझ रहे हो। मीन्स अगर यूज़र को कोई लिमिट देनी है, मीन्स ये फायरवॉल में ट्रैफिक कब जनरेट होगा, जब आप 3500 के ऊपर का पैकेट विद इन अ सेकंड आप ट्रांसफ़र करोगे। ये मैंने बोला था आपको डॉस के अंदर, डॉस अटैक जो हमने आगे पढ़ा था, याद है कुछ, DOS, ये दिख रहा है डॉस अटैक। हाँ, इसके अंदर देखो हमने क्या सिंक्रोनाइज फ्लूड, UDP फ्लूड, ये सबकी लिमिट डाल के रखी है। इन सेम एज क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी हम लोगों ने एक प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि 35,000 KBPS की यहाँ पे एक पैकेट की लिमिट दी रखी है हम लोगों ने। तो मीन्स इफ़ यू आर पासिंग दैट लिमिट, यू आर क्रॉसिंग दैट लिमिट, योर फायरवॉल गोइंग टू बी हैंग, हैक नहीं होगी, हैंग हो जाएगी, बस वो स्लो चलने लगेगी, ठीक है, ओके। दैट इज़ अ पॉलिसी जो हम लोगों ने बना के रखी है 1 MBPS, ये पॉलिसी भी हम यूज़र के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 1 MBPS हम लोगों ने, हमने किस किस को, किसके यूज़र को दी है देख रहे हैं हम। देखो यहाँ पे 2 MBPS है, 2 MBPS यूज़र बेस है, 4 MBPS है यूज़र बेस। तो ये सारी कैटेगरी हम लोगों ने यूज़र के लिए बना के रखी है। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी में जाते हैं, अगेन वी आर गोइंग इन यूज़र, कोई भी एक ले लेते हैं। देखो यहाँ पे QoS दैट इज़ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दिख रही है आपको 1 MBPS, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करके रखी है कि दैट इज़ दिस पॉलिसी इज गोइंग टू बी अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर यूजर। तो क्लियर, ओके। नाउ एंटीवायरस, एंटीवायरस अगर आप लोगों ने कोई कैंपस लाइसेंस परचेस करके रखा है, ठीक है, तो आप उसको इसके अंदर से पास कर सकते हो, यू आर एबल टू एक्सेस दैट, ठीक है। अभी हम हाल फिलहाल में देखते नहीं है बिकॉज नॉट यूज का नहीं है अभी हाल में, देखेंगे हम बाद में। ये देखो लॉग्स एंड रिपोर्ट, ठीक है, ये बहुत अपना यूज़ का है, मतलब बहुत काम की चीज़ है। देखो हमने कहाँ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, अभी देखो 2 मिनट रुको,
पूरा ओपन हो जाने दो. ओके, दिस कैटेगरी और दिस यूजर इज गोइंग टू बी यूज अप यूसेज. दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी शो द यूसेज ऑफ पर्टिकुलर यूजर. और कौन से आईपी से एक्सेस हुआ है, मीन्स अगर आपको ये जानना है कि कोई पर्टिकुलर यूजर जो आपने साइबर रोम के फायरवॉल से क्रिएट किया है, उस बंदे ने कौन कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट ओपन की है और कितना डेटा डाउनलोड किया है, कितना अपलोड किया है, देन इसके अंदर से आप देख पाओगे. देखो यहाँ पे पहला नाम क्या है, यूजर नेम दैट इज ऑफिस. ठीक है, तो इस यूजर ने 275 MB ठीक है यूज किया है, उसका मतलब 25% उसने यूज किया है पूरे दिन का पर्टिकुलर यूजर का. और कौन से आईपी से एक्सेस हुआ, तो दैट इज द आईपी फॉर दैट. ठीक है, नाउ सोर्स कौन कौन सा है, एपी यहाँ पे उस कंट्री का नाम दिया है, उस कंट्री से आपने यूज़ किया होगा. ठीक है, मैक्सिमम कहाँ का यूज़ किया है, देखो दिखाया आपको, यूएस से, यूएस से सबसे ज़्यादा एमबी का डाउनलोडिंग हुआ है. ठीक है, ये देखो टॉप वेब कैटेगरी, आपने कौन सी कैटेगरी से यूज़ किया है, तो आईटी कैटेगरी से. ठीक है, फिर दूसरा कौन सी वेबसाइट यूज़ की है, दिख रहा है सबसे पहला upload.video.google.com. दिस यू आर एल इज बेसिक, दिस यू आर एल इज गोइंग फॉर यूज फॉर दी YouTube. अगर आप YouTube में वीडियो अपलोड करते हो, देन दिस यू आर इज गोइंग टू बी यूज. ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे कितनी सारे फिल्टर दी गए हैं कि कौन से यूज़र ने कौन सी वेबसाइट से, कौन सी कंट्री से, कौन से आईपी से कितना डेटा डाउनलोड किया और कितना डेटा अपलोड किया है. मीन्स अगर आप ऐसा कहते हो कि मैंने तो ये यूज़ नहीं किया है, मीन्स ये जो है फायरवॉल वो यूज़र का पर्टिकुलर पूरा डेटा आपको देता है कि इस यूज़र ने कहाँ से क्या यूज़ किया है. ठीक है, तो अगर यूज़र को अगर आपको लिमिट दी है, उसके बाद भी वो कोई समझ लो कि VPN यूज़ किया उसने, या फिर कोई फायरवॉल को बाईपास करने के बाद अगर वो यूज़ करता है कुछ भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके बाद अगर वो एक्सेस करता है, तो भी इसके अंदर ये डेटा आपको मिल जाएगा कि इस यूज़र ने पर्टिकुलर कितने MB का डेटा यूज़ किया, कौन सी साइट से किया है, कहाँ से किया है. सो दैट इज़ दी फायरवॉल का रिपोर्ट पेज है, ये रिपोर्ट है. ठीक है, इसके डैशबोर्ड है ये इसका, और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार्ट डेट एंड डेट. मीन्स अगर मैं यहाँ पे उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट लगा लूँ, इट मीन्स यूज़र कितना कि कौन सी तारीख तक उसने रिपोर्ट क्या यूज़ किया, वो सब मिल जाएगा आपको यहाँ से. ठीक है, दैट इज़ अ रिपोर्ट. देखो ये रिपोर्ट है सारी, उसने कौन कौन सी, देखो यहाँ पे सब यूज़ किया है, कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ किया उसने, ये भी आपको मिल जाएगी, दिख रहा है. मीन्स ये इतना डिटेल में है कि अगर आप जानना चाहो तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको. देखो ये यूज़र का है पर्टिकुलर, ये है यूट्यूब वीडियो, इस यूज़र ने ये पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो का 542 MB यूज़ किया है. दैट मीन्स इसने सोशल मीडिया को स्ट्रीमिंग मीडिया में इतना यूज़ किया है. मीन्स ये आप जान सकते हो, मीन्स यूज़र की पूरी एक्टिविटी देखो यहाँ पे सब दिख रहा है आपको रिपोर्ट के अंदर. ये हमने देखा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में टॉप एप्लीकेशन कौन सी है वो जानना है तो भी जान सकते हैं. तो मीन्स ये इतना डिटेल में आपको रिपोर्ट देता है. देखो ये रिस्क फैक्टर मेरा कौन सा है यहाँ पे 0.41, मीन्स इस यूज़र ने भले ही डेटा यूज़ किया हो ज़्यादा, बट उसने कोई रिस्क वाली वेबसाइट ओपन नहीं की है जहाँ से वायरस या वॉर्म या ऐसा कुछ अटैक हो सके. ठीक है, ये है आपकी एप्लीकेशन का यूसेज. सेम थिंग देखो आप बहुत सारा है, उसने इंटरनेट कितना यूज़ किया है वो जानना हो तो भी आप जान सकते हो कितना इंटरनेट यूज है. आज की तारीख में 29 MB का इंटरनेट यूसेज है उसका. ठीक है, फिर अटैक हुए उसके ऊपर कौन कौन से वो भी देख सकते हैं. नो रिकॉर्ड फाउंड, मीन्स इस यूज़र के ऊपर कोई भी अटैक अभी तक नहीं हुआ है. ठीक है, अटैकर्स अगर अटैक हुआ है तो कौन कौन से अटैकर्स है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से अटैकर ने वो अटैक किया है तो वो भी जान सकते हो. ठीक है, अगर कोई वायरस का अटैक हुआ है तो भी आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वायरस है लेकिन नहीं है. ठीक है, ब्लॉक्ड एप्लीकेशन, मीन्स ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो इस बंदे ने यहाँ से ओपन करने की ट्राई की है जो ब्लॉक है, दैट इज़ द वेब. देखो वेब ऐप व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ब्लॉक है फिर भी इस बंदे ने ट्राई किया है और उसका रिस्क फैक्टर है 4, मीन्स वहाँ से अटैक या वायरस या कुछ भी आने की, ठीक है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है. तो इट्स अ बेसिक फंक्शनैलिटी. ठीक है, हम सब बहुत कुछ इसमें से सीख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं. ठीक है, सो इट्स अ बेसिक ऑफ योर फायरवॉल. मीन्स आप अगर फायरवॉल आपको दी जाए तो आप थोड़ा बहुत तो समझ सकते हो फ्रॉम दिस 4 वीडियो कि बेसिकली फायरवॉल है क्या, हम क्यों यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं,
इससे क्या होगा, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी आपको देती है फायरवॉल, यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। ओके सो हम आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे और यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपना फायरवॉल, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है फायरवॉल के अंदर देन प्लीज़ राइट इन योर कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ HP_KNOW_Valley, इट्स VALLEY। शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।